आइए दोस्तों शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4। गिवन 15 cot a इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए एंड सेक ए। आपको गिवन है कि 15 cot a इज इक्वल टू 8 है और आपको ये दो रेशियोज निकालनी है। तो सबसे पहले तो आप एक ट्राइंगल बनाएंगे जिसके अंदर एक एंगल a लेंगे और वो आपका एक्यूट एंगल होना चाहिए। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एंगल ए, यहाँ मैं बी ले लेता हूँ, यहाँ मैं सी ले लेता हूँ। राइट ट्रायंगल बना लिया, एंगल ए रख लिया एक आपने एक्यूट एंगल। उसके बाद सबसे पहले आप अपना वो फॉर्मूला लिख लेंगे, मंत्र पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये तो दोस्तों आपको क्वेश्चन देखते ही लिख लेना है क्योंकि पता है कि इसका तो यूज़ होगा ही होगा। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। इसके बाद यहाँ से सॉल्व करना शुरू करते हैं। आपको गिवन है 15 cot a इज इक्वल टू 8, ये सॉल्यूशन 15 cot a इज इक्वल टू 8। अगर इसमें cot a की वैल्यू निकाली जाए तो ये हो जाएगा आपका 8 अपॉन 15, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि cot a आपका 8 अपॉन 15। अब cot की रेशियो देखिए, यहाँ से कॉट होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि ये जो 8 अपॉन 15 है ये है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और इस फिगर में एंगल ए की बात चल रही है तो एंगल ए के हिसाब से आपका जो बेस है वो हो जाता है इसके अंदर ए बी, यानी ये चीज़ आपकी बेस है। और इससे टच वाली जो साइड होती है जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है वो होती है आपकी परपेंडिकुलर। तो बेस तो डिपेंड होता है एंगल के ऊपर, जिस जो साइड एंगल से टच होती है वो आपका बेस होती है। ऐसा नहीं है कि अगर ये ज़मीन में यहाँ टिका होगा और यहाँ होगा तो बेस होगा, नहीं, जहाँ एंगल होता है उससे जो लाइन टच होती है वो आपका बेस होता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। तो ये बेस है तो ये परपेंडिकुलर है, और हाइपोटेन्यूज ऑफ कोर्स दोनों केस में सेम ही रहता है, ये आपका हाइपोटेन्यूज है। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर आपको दिया हुआ है, यानी कि ये वाली साइड जो है वो आपका 8 टाइम्स है और परपेंडिकुलर यानी कि ये वाली साइड ये आपकी 15 है। अब क्योंकि ये रेशियो है तो इसमें के लगा लेंगे, ये लगा लिया के। के इसमें इसलिए लगाना ज़रूरी है दोस्तों क्योंकि ये आपका रेशियो है 8 अपॉन 15, ये कोई एक्चुअल वैल्यू नहीं है। एक्चुअल वैल्यू हो सकता है इसकी 16 अपॉन 30 हो, तो कट के ये आपका 8 अपॉन 15 आया। तो 8 और 15 में कुछ ना कुछ मल्टीपल ज़रूर हो सकता है, उसकी जगह पे हम ये के ले लेते हैं। तो अब आपको फिगर दिख रहा है, फिगर के अंदर आपको ये दो साइड्स पता है, ए बी पता है, बी सी पता है, थर्ड साइड आपके लिए अननोन है। तो सवाल को शुरू करने से पहले हमेशा सबसे पहले आप ट्राइंगल की जो अननोन साइड है उसको निकाल लिया करें, और ये निकलेगी आपकी पाइथागोरस थ्योरम से। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम इसमें सबसे बड़ी साइड आपकी ए सी है, ए सी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बाकी दो साइड्स हैं आपकी ए बी और बी सी। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी आपको निकालना है, एज इट इज लिख लिया। ए बी की वैल्यू 8k इसका स्क्वायर, बी सी की वैल्यू 15k इसका स्क्वायर। 8k का स्क्वायर क्या, 8 एट 64 के स्क्वायर, 15 का स्क्वायर होता है आपका 225 और k का स्क्वायर। इन्हें फर्दर सॉल्व किया, कोफिशेंट्स आपके प्लस होके ये हो जाते हैं 289 और k स्क्वायर एज इट इज़। अब ये ए सी स्क्वायर की वैल्यू है तो ए सी की निकालने के लिए इस 289 के स्क्वायर का आपको करना पड़ेगा स्क्वायर रूट। दोस्तों कम से कम आपको 25 तक के स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट्स तो बिल्कुल अच्छे से याद कर लेने चाहिए। अब 289 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 17, और के स्क्वायर का स्क्वायर रूट तो के ही हो जाएगा। तो इस तरह से ए सी की वैल्यू आ जाती है 17k, तो ए सी हो गया ये 17k। अब मुझे ट्राइंगल की तीनों साइड्स पता है तो जिसकी चाहे
उसकी मैं रेशियो लिख सकता हूँ। यहाँ से आपको दो रेशियोज पूछी हैं साइन ए की, तो पहले साइन ए की निकाल लेते हैं। साइन ए, अब साइन ए की रेशियो क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, वो आप इस टेबल से देखेंगे, पी अपॉन एच। और आपके क्वेश्चन में परपेंडिकुलर क्या है? 15 के। नाम लिख लेता हूँ पहले बी सी, हाइपोटेन्यूस का नाम लिख लिया मैंने ए सी। इसके बाद इनकी वैल्यूज भरता हूँ, बी सी है आपका 15 के और ए सी है 17 के। के से के कट गया, फाइनली जो रेशियो आ गई 15/17। दूसरी रेशियो पूछी है सेक ए, सेक, सेक की रेशियो क्या होती है? यहाँ से देखिए ये सेक है, तो सेक की रेशियो नीचे से देखेंगे उल्टा, एच अपॉन बी, यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, एच अपॉन बी। ट्रायंगल में से इनके नाम लिख लेता हूँ मैं, हाइपोटेन्यूज में आपका ए सी है और बेस आपका क्वेश्चन ए बी, इसके अंदर ए बी आपका बेस है। ए सी की वैल्यू 17 के और ए बी की वैल्यू है आपकी 8 के। कैसे के कट गया, फाइनल रेशियो 17/8 आ जाती है आपकी। सो इस तरह से ये दोनों रेशियोज आ गई हैं। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ से लाइक कर देना, और 10th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।